शांति, ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 30/3/11 और ज्ञान मुरली का हेडिंग क्या कहता है? कहता है, मीठे बच्चे उच्च पद पाना है तो क्या करें? हाँ, तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। बाप को तो याद करें हम, लेकिन बाबा कहते हैं कि सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? हाँ, लाल बड़े प्यार में बच्चे को कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, कौन से मीठे लाल मीठे बच्चे कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है। आप सभी का भी ईश्वरीय परिवार से प्यार है ना? क्योंकि ईश्वर से प्यार है तो स्वाभाविक ईश्वर के परिवार से भी प्यार रहेगा। जिनका ईश्वरीय परिवार से आपकी तरह प्यार है, वो क्या, उनको क्या होता है? बाबा कहते हैं, उन्हें रात दिन सर्विस का होना ही रहता है। और ऐसे आपके जैसे सर्विसेबल, जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मन मत पर नहीं चलते हैं। आप भी तो श्री मत पर चलते हैं ना? तो बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वो कभी भी छिप नहीं सकते हैं। गीत बहुत प्यारा बजा है, क्योंकि परिवार की बात चली है तो कौन सा गीत होगा? गीत है, उसके बोल हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। धारणा बताई है आज की। नंबर एक, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा क्या बनना है? बाबा ने आगे भी बताया कि पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से क्या करना है? हाँ, सच्चा सच्चा लव रखना है। नंबर दो, श्री मत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है और हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाना है। वरदान है, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारी बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे, देखो अब राज की बात बाबा बताते हैं, कि भविष्य सतयुगी जो संस्कार है ना, वो संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होंगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट अर्थात संपूर्ण पवित्र। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। आज का स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम
शांति, ओम शांति।